गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. ओके, माय सेल्फ बीएल चक्रवर्ती. और आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. ये टॉपिक जो है आपकी इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल 6 है और हमारी बुक में ये चैप्टर नंबर 5 है. ठीक है, चलिए. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 8 मार्क्स का क्वेश्चंस नॉर्मली आ जाता है इसमें से. पिछले 5-6 अटेम्प्ट से हम देख रहे हैं 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. एक बार जरा हम देख लें, अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुए हैं इसमें देखिए 8, 9, 6, 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं और कंटिन्यूअसली आ रहे हैं. ठीक है, चलिए. तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है? बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है. सर ये समझ नहीं आता, सर इसमें फॉर्मूले याद नहीं होते. तो मैं आपको एक छोटी सी बात कहूंगा कि आपने फॉर्मूले इसमें याद करने ही नहीं है, आपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है. जब आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो फॉर्मूले ऑटोमेटिकली आप खुद बना लेंगे. फॉर्मूले कोई कठिन फॉर्मूले नहीं है, बड़े सिंपल फॉर्मूले हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम जो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, मतलब क्या हुआ इसका? मतलब यह हुआ कि जो बुक्स आप मेंटेन कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट की अलग बुक्स होती हैं और फाइनेंशियल अकाउंट्स की अलग बुक होती हैं. तो जो बुक्स कॉस्ट की मेंटेन करेंगे वो हम स्टैंडर्ड कॉस्ट पे मेंटेन करेंगे. सर ये स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है तो समझ ले. आप कोई भी फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के पहले उस फाइनेंशियल ईयर में क्या आप अचीव करेंगे, इसके लिए आप एक स्टेटमेंट बनाते हैं. उस स्टेटमेंट का नाम है बजट. तो आप बजट प्रिपेयर करते हैं किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड करंट सिचुएशन एंड इकोनॉमिक सिनेरियो. सर ये सब बड़े भारी भारी वर्ड हैं, इनका मतलब क्या है? चलिए हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बात करें. हम लोगों ने एक बजट बनाया कि सर एक एग्जाम्पल लेते हैं बजट बनाने के लिए. सपोज करिए मैं फाइनेंशियल ईयर 12-13 में मैंने 10,000 यूनिट सोल्ड करी एट द रेट ऑफ 50 रुपीज. तो मैंने 13-14 का एस्टीमेट करा. क्या एस्टीमेट किया कि सर मैं 12,000 यूनिट बेचूंगा और किस रेट से बेचूंगा? सर मैं 55 रुपए के रेट से बेचूंगा. ठीक है ना, ये मैंने एस्टीमेट किया. तो ये जो एस्टीमेशन मैंने की है, ये जो मैंने एस्टीमेशन की है यही तो मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए की है. तो ये मेरी फिगर हो गई
बजट हो गया, और अगर सही वर्ड बोले तो ये हो गया मेरा सेल बजट हो गया, सेल बजट हो गया फॉर 13-14। ऐसे ही मैंने फाइनेंशियल ईयर 12-13 में मेरी कॉस्ट पर यूनिट थी, मान लीजिए 40 रुपीज, तो मैंने कहा, एस्टीमेट किया मैंने, क्या एस्टीमेट किया कि 13-14 में सर मेरी जो कॉस्ट पर यूनिट होगी वो सर मेरी 44 रुपीज होगी। तो ये मैंने एस्टीमेट किया, अंदाज लगाया। तो ये जो एस्टीमेशन है ये मैंने एस्टीमेशन किया है कि 13-14 में मेरा 44 रुपीज की कॉस्ट होगी, यही एस्टीमेशन मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गई। कि सर 44 रुपए आपकी एक प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड कॉस्ट है। सपोज करो मैं कहता हूं कि इस 44 रुपए में मेरा रॉ मटेरियल जो है वो 20 रुपए का है, डायरेक्ट लेबर मेरी सर 15 रुपए की है, और सर वेरिएबल ओवरहेड मेरे सर 9 रुपए के हैं। तो इस तरीके से मेरे 44 रुपए आ रहे हैं। तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गई मेरी रॉ मटेरियल की, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गई मेरी डायरेक्ट लेबर की, और ये स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गई मेरी वेरिएबल ओवरहेड की। ठीक है ना, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड, इन तीनों की स्टैंडर्ड कॉस्ट मेरी ये हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो मुझे समझ में आ गया स्टैंडर्ड कॉस्ट का कि मार्केट में इंडस्ट्री सिनेरियोज, इंडस्ट्रीज में क्या चीजें चल रही हैं, उन सब के हिसाब से मैंने एक अपनी कॉस्ट एस्टीमेट की कि सर मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो 44 रुपए आएगी। अब सपोज कर लीजिए 31 मार्च 2014 को जब आपकी बुक्स क्लोज हो गई, तब आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट आई वो आई सर 48 रुपीज। इसका मतलब क्या है सर, 44 रुपए की मैंने स्टैंडर्ड मेंटेन कॉस्ट एस्टीमेट की थी और एक्चुअल में कितनी हुई, 48 रुपए हुई। तो यानी कि 4 रुपए की मेरी कॉस्ट एक्स्ट्रा हो गई। तो इसमें जो रॉ मटेरियल था वो 20 की जगह 24 रुपए का आया, जो डायरेक्ट लेबर थी वो 15 की जगह सर 12 रुपए हो गई, और जो वेरिएबल ओवरहेड थे वो भी 9 की जगह 12 हो गए। इस तरीके से 48 रुपए मेरे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल कॉस्ट है मेरी रॉ मटेरियल की, ये एक्चुअल कॉस्ट है मेरी डायरेक्ट लेबर की, और ये एक्चुअल कॉस्ट है मेरी वेरिएबल ओवरहेड की। तो आपने क्या पता किया कि आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट 44 रुपए रखी थी और एक्चुअली में आपको 48 रुपए हो गया। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम जो कॉस्ट रिकॉर्ड है वो मेंटेन करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट पे, यानी कि हमारी बुक्स में जो रिकॉर्ड्स होंगे वो किस पे मेंटेन होंगे, 44 रुपए पे। और स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है वो हम लोग वेरिएंसेस रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास एक नया वर्ड आ गया, वो है वेरिएंसेस। चलिए अब हम को समझना है वेरिएंस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमारे जो सिलेबस में है वो वेरिएंस एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और एक्चुअल में हम लोग यही पढ़ते हैं। आप लोगों के दिमाग में रहता है सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब है डायरेक्ट लेबर वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस। एक्चुअली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक हिस्सा है वेरिएंस एनालिसिस। ठीक है, इसके अलावा भी कई चीजें होती है, वो हम पढ़ते जाएंगे। ये बात सही है कि हमको पढ़ना वेरिएंस एनालिसिस ये मेनली,
बाकी फैक्टर्स हमारे को इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी क्लियर कर दूं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब वेरिएंस एनालिसिस अकेला नहीं होता है। तो वेरिएंस का मतलब क्या हुआ सर? वेरिएंस का मतलब सर डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। देखिए आपसे मैंने बोला नहीं है कोई फॉर्मूला याद करने के लिए, ये आप खुद ही समझ रहे हैं कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस वो हमारा वेरिएंस है। जैसे अगर मैं कॉस्ट वेरिएंस की बात करूं तो क्या होगा? डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब आप बताइए स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी कितनी थी? 44 रुपए। और एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 48 रुपए। यानी कि आपको 4 रुपए का लॉस हो रहा है, 4 रुपए का लॉस है, और 4 रुपए का लॉस है यानी कि आपका जो वेरिएंस है वो एडवर्स वेरिएंस है। समझिए आप। अब सपोज करिए ये सेल वेरिएंस है तो क्या होगा? डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड सेल माइनस एक्चुअल सेल। तो स्टैंडर्ड सेल प्राइस क्या थी आपकी? स्टैंडर्ड सेल प्राइस थी सर 55 रुपए, अभी पहले निकाली थी। और मैं कहता हूं आपको एक्चुअल सेल आपकी हुई है 62 रुपए में, तो आपको 7 रुपए का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है 7 रुपए का। तो ये आपका फेवरेबल वेरिएंस है। अब जरा ध्यान से समझिएगा मैं जो बताने जा रहा हूं। ये भी -4 है और ये भी -7 है, दोनों माइनस है। फिर एक फेवरेबल होगा और एक ब्रैकेट एडवर्स हो गया, ऐसा क्यों हुआ? तो कॉन्सेप्ट समझे, फेवरेबल वेरिएंस का मतलब है प्रॉफिट या प्रॉफिटेबल टू द कंपनी, और एडवर्स का मतलब है लॉस टू द कंपनी। ठीक है, फेवरेबल का मतलब है प्रॉफिटेबल टू द कंपनी और एडवर्स का मतलब है लॉस टू द कंपनी। कई लोग यह सोचते हैं कि नेगेटिव का मतलब है एडवर्स और पॉजिटिव का मतलब है फेवरेबल, तो वो दिमाग से निकाल लीजिए। कई टीचर क्या करते हैं कि ये फॉर्मूले को रिवर्स कर देते हैं, यहां पर इस फॉर्मूले को रिवर्स कर देते हैं। वो इस फॉर्मूले को सिर्फ इस वजह से रिवर्स कर देते हैं कि वो साइन उनके उससे मैच हो जाए, मतलब जो माइन कॉस्ट का कॉस्ट वो जो वाला साइन है वो चलता रहे। तो नहीं, हमने कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। कॉन्सेप्ट का मतलब है डिफरेंस है स्टैंडर्ड और एक्चुअल का, उसे वेरियंस कहते हैं। और सिंपल सी बात है, अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो फेवरेबल है, कंपनी को लॉस हो रहा है तो एडवर्स है, साइन चाहे जो भी हो। ठीक है ना, यही आपने ध्यान देना है। बड़ी मैं बहुत बेसिक और बहुत बारीक चीजें समझा रहा हूं, अभी मैंने कोई स्टार्ट नहीं कर दिया कि मटेरियल वेरिएंस का ये फॉर्मूला है और लेबर वेरिएंस का ये फॉर्मूला है। नो, पहले छोटी छोटी चीजें समझनी है। ठीक है, तो फेवरेबल का मतलब है प्रॉफिटेबल टू द कंपनी, एडवर्स का मतलब है लॉस टू द कंपनी। चलिए थोड़ा और एग्जाम्पल लेते हैं। अब इट मीन्स कि अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा है, अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा है तो आपका जो वेरिएंस होगा वो प्लस होगा, और ये कैसा वेरिएंस होगा? फेवरेबल वेरिएंस होगा। ऐसे ही अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट से कम है
तो वेरिएंस जो होगा वो निगेटिव होगा, और निगेटिव का मतलब क्या होगा? एडवर्स वेरिएंस है। ठीक है, अब सेल में देखेंगे, अगर स्टैंडर्ड सेल एक्चुअल सेल से ज्यादा है तो वेरिएंस नहीं, इसको वेरिएंस वर्ड यूज ना करेंगे हम, इसको डिफरेंस बोलेंगे। ये डिफरेंस पॉजिटिव होगा और ये भी डिफरेंस पॉजिटिव होगा, और ये वेरिएंस यहां पर वर्ड आएगा, ये फेवरेबल वेरिएंस है और ये एडवर्स वेरिएंस है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर स्टैंडर्ड सेल एक्चुअल सेल से ज्यादा है तो जो डिफरेंस होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन गौर से देखिए, स्टैंडर्ड सेल ज्यादा है यानी कि आपने सेल नहीं करी है, आपको सेल ज्यादा करनी थी, तो ये आपका कैसा वेरिएंस कहलाएगा? एडवर्स वेरिएंस। ऐसे ही अगर स्टैंडर्ड सेल एक्चुअल सेल से कम है तो डिफरेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा। और इसका मतलब क्या है? आपने सर सेल ज्यादा करी है, आपकी स्टैंडर्ड एस्टीमेट आपने कम की थी लेकिन आपने एक्चुअल में ज्यादा सेल कर दी है, तो जब डिफरेंस नेगेटिव होगा तो ये कैसा वेरिएंस होगा? फेवरेबल वेरिएंस। ठीक है ना, ये आपका फेवरेबल वेरिएंस कहलाएगा। तो इनका कॉन्सेप्ट क्या बना? इसका कॉन्सेप्ट ये बना कि सर अगर कंपनी को प्रॉफिट है अगर कंपनी को प्रॉफिट है तो ये फेवरेबल है, और अगर लॉस है तो एडवर्स है। ये इसका कॉन्सेप्ट बना। ठीक है ना, लॉस कब होगी? जब आपकी कॉस्ट ज्यादा है एक्चुअल वाली, और स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी कम है। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू।